नमस्कार, पुखराज आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता है। कहते हैं कि भगवान किसी दुश्मन को भी कोर्ट कचहरी के चक्करों में ना डाले, क्योंकि हमारी धारणा है कि कोर्ट कचहरी में इंसाफ मिलने में देर लगती है और समय और पैसे की बर्बादी होती है। मगर इसी कोर्ट में जज मात्र एक शलोक से आपका सारा मनमुटाव हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो बात है राजस्थान के पिपाड़ की, जहां एक पुत्र ने अपने पिता पर और पिता ने पुत्र पर केस कर रखा था। पुत्र ने पिता पर संपत्ति के लिए और पिता ने पुत्र पर उसकी देखभाल ना करने के लिए ये केस किया था। लोग बातें बना रहे थे और परिवार का मजाक बन रहा था। जब मुकदमा राष्ट्रीय लोक अदालत में लाया गया तो न्यायाधीश जी ने सारी बातों को ध्यान से सुना और एक श्लोक बोला, पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप, प्रीति मापन्ने प्रीपन्ते सर्वदेवता। अर्थात पिता ही स्वर्ग है और श्रेष्ठ तप भी है, पिता प्रसन्न तो देवता प्रसन्न। इतना सुनते ही पिता और पुत्र जोर जोर से रोने लगे और आपस में उनके सारे जो गिले शिकवे थे इन आंसुओं में धुल गए। आपसी राजीनामे से उनका सारा मनमुटाव दूर हो गया। दोस्तों, ये केस एक ऐसी मिसाल है कि अदालतें न्याय देती हैं, मगर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वो देश है जहां पर श्रवण कुमार ने अपने बूढ़े माता पिता को वहंगी में बिठाकर चार धाम की यात्रा करवाई थी। सुपुखराज आपको कहना चाहता है कि कभी ना तो अपने माता पिता का अपमान करो, ना ऊंची आवाज में उनसे बात करो, ना ही कभी उनसे ऐसी तकरार करो कि उनका दिल टूट जाए, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारे माता पिता के कदमों में ही हमारी जन्नत होती है।